नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक की तरफ से हमें एड ऑन क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिला। काफी लोगों को एड ऑन क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं मिलता है, काफी लोगों को मिलता है। आज आपको बताएं कि ब्लड ग्रुप वालों को एक कार्ड क्यों मिलता है और एड ऑन क्रेडिट कार्ड आपको कब लेना चाहिए अगर आपको ऑफर आता है, और ये क्या बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान है, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों यहाँ पे आज मैंने नेट बैंकिंग चेक किया तो वहां पे हमें एड ऑन क्रेडिट कार्ड का ऑफर शो कर रहा था। अब जैसे मैंने अप्लाई करना चाहा तो वहां पे लिखा था कि आप ओनली ब्लड ग्रुप वालों के लिए यहाँ पे कार्ड ले सकते हैं और किसी के लिए दोस्त फ्रेंड रिश्तेदार के लिए ये सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा होता क्यों है और एड ऑन कार्ड में ओनली ब्लड ग्रुप क्यों चुना जाता है? दोस्तों यहाँ पे होता क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर एड ऑन क्रेडिट कार्ड दोस्त रिश्तेदार को अगर बैंक देता है, अगर वो बिल पेमेंट नहीं करते हैं, दोस्तों आपको बताया है कि कोर्ट के अनुसार जो लव है उसके अनुसार दोस्तों कोई भी चीजें ओनली ब्लड ग्रुप वालों को ही दिया जा सकता है, अदर पर्सन को नहीं दिया जा सकता। ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, अगर कोई और है तो कार्ड उसे नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक उस अमाउंट को रिक्वायरी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे नियम ये है दोस्तों कि अगर किसी को कार्ड मिला है, जिस एड्रेस पर कार्ड मिला है, जो रजिस्टर एड्रेस बैंक के सिस्टम में है, उसी एड्रेस पर ही बैंक नोटिस जारी कर सकता है और कहीं और जारी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ कि एड ऑन क्रेडिट कार्ड आपको लेना क्यों नहीं चाहिए और क्यों लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे एड ऑन क्रेडिट कार्ड लेने के अपने कुछ बेनिफिट भी हैं और अपने कुछ नुकसान भी हैं। बेनिफिट की बात करूँ तो एड ऑन कार्ड में आप एक लिमिट सेट कर सकते हो, जितनी लिमिट आप सेट करोगे उतना आपका जो रिलेटिव है वो यूज कर पाएंगे। आपका भाई हो गया, दोस्त हो गया या माता पिता जो भी है वो उतना लिमिट यूज कर पाएंगे। जो बिलिंग टाइमिंग होगा वो आपको ही पे करना पड़ेगा और बिल उसी तरीके से आएगा, उनका भी पैन कार्ड, उनका भी केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा और बाकी कोई ऐसा इनकम प्रूफ नहीं लगता है और एड ऑन कार्ड मिल जाएगा। तो लिमिट मतलब कि आप पूरा देना चाहते हो या 30% या 20% कितना देना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। बाकी आप अपने सिस्टम में से उस कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हो, बाकी सारा अथॉराइज जो है आप उनको दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। तो अगर मान लो आपका कार्ड खो गया तो उनके कार्ड से आप काम कर सकते हो। अब यहाँ ये तो बेनिफिट हो गया। नुकसान की बात करूं, जो नियम रूल आपके कार्ड पे लागू रहेगा वही नियम रूल उनके कार्ड पे लागू रहेगा, समझे ना, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाली बात हो गई। तो यहाँ पे जो एड ऑन कार्ड है सबको ये ऑफर नहीं मिलता है, मतलब कि अगर आप देखोगे बैंकों में तो सब बैंक में सबको नहीं मिलता है, और ऐसा मत सोचो कि सभी लोग को मिल जाए, ये बहुत यूनिक लोगों को, बहुत खास खास लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं कि सबको मिल जाए। आप भी चेक करना, आपको ये ऑफर जल्दी नहीं आया होगा, आया होगा बट एक्सपायर हो जाता है तो सबको नहीं मिलता है। तो एड ऑन क्रेडिट कार्ड जो है आप दोस्त फ्रेंड स्टार को नहीं दिलवा सकते, बाकी रूल पॉलिसी सेम है, जो आपके घर वाले हैं, आपके ब्लड ग्रुप में आते हैं, उन्हीं को मिल सकता है। तो आप बताना क्या आप एड ऑन कार्ड लेना पसंद करोगे, क्या आपको इनके फीचर्स अच्छे लगते हैं, आप अपनी राय कमेंट पे जरूर बताना। और एड ऑन क्रेडिट कार्ड जो है क्या आपने इस्तेमाल किया है, अपनी राय जरूर कमेंट में शेयर करना। शायद आपने एड ऑन कार्ड के बारे में जान लिया, मैं एड ऑन कार्ड नहीं लूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगा। अब आप बताना वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, इसमें शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।